सबको हार्दिक बधाइयां, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। 25 अक्टूबर से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां पे आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी बिंदास, स्विंग इंट्राडे पोजिशनल जो करना चाहें बिंदास कर सकते हैं, विद मेगा डिस्काउंट ऑफर जो पहली बार दे रहे हैं, आज तक कभी नहीं दिया। लिमिटेड 50 लोगों के लिए सीट थी, बहुत लिमिटेड अब बची हुई है, मौका ना जाने दें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर डिस्काउंट तो आप देते नहीं है, कभी तो दीजिए, तो दिया है तो जल्दी से सीट बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए। और साथ में बहुत कुछ नया है जो आपकी डिमांड पर हम लोगों ने क्लास में ऐड किया है, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की वीडियो बहुत खास है, खास क्यों है, क्योंकि इस वीडियो को हमने 100-125 रुपए के रेट पर बनाया था और आज के डेट में 250 के प्राइस में है। मजे की चीज क्या है, उस समय वो फेयर वैल्यू पे था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ईवी से रिलेटेड था। ड्यू टू दैट रीजन हमने आपको सिखाया कि देखिए ईवी थीम की बात चल रही है, कोई ईवी थीम पे जब बात चल रही है तो एक ऐसा हिडन शेयर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करे, जबकि वो ईवी से रिलेट है, तो वहां पर अगर उसकी फेयर वैल्यू है तो वो आपको ग्रोथ दे सकता है। कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट मैं आपको एक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कैसे हम सोचते हैं। अब मजे की चीज, सबसे पहली बात, क्या वो शेयर 250 पे आ चुका है तो क्या बस यहीं तक रह जाएगा? क्या कल के डेट में 500-700 जा सकता है या नहीं जा सकता है? ईवी से रिलेटेड है तो ईवी तो अभी शुरू हुआ है, जैसे समझो दिल्ली सरकार ने अभी क्या बोला कि अब तो हमें जितने भी कैब और डिलीवरी वाले हैं सब क्या चाहिए, सब हमें ईवी चाहिए। कल के डेट में दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट बोल सकती है, फिर तीसरी स्टेट की गवर्नमेंट बोल सकती है, यानी क्या है, ईवी स्टार्ट हुआ है। तो अब वहां पे वो शेयर महंगा है या सस्ता है? अगर महंगा है तो आपको मैंने सिखाया कि वो करेक्शन भी दे सकता है और फिर मौका मिलता है। तो इस तरीके से एक लाइव एग्जांपल से जब हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं ना, तब हमें डर खत्म होता है और हम उस स्टॉक या किसी और स्टॉक से प्यार कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और तब खुद का बॉस बन के, खुद का मालिक बन के तब एक करेक्ट डिसीजन लेते हैं। क्योंकि वो ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी वीडियो हमने 20 जुलाई 2023 को बनाई थी, राइट, और आज 23 अक्टूबर 2023 है। आप इसी से समझ लो कि सिर्फ इतने कम टाइम फ्रेम में 106% का रिटर्न है। अगेन कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, बट अगर आप इस बात को समझ पाओ कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, कैसे थीम बेस और कैसे अंडर वैल्यू शेयर, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन एनर्जी की भी बात होती है, तो अगर हम ग्रीन एनर्जी में ऐसा हिडन शेयर पकड़े जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर वो फंडामेंटली सही हो तो आपको मौका देंगे ना, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और सब चीजों को शुरू करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, बहुत बेहतरीन कंटेंट लाते हैं जिससे आप सीखें और कमाते रहें। तो सबसे पहले आप एक चीज बताइए, जो 100 का शेयर 250 हुआ, क्या 500 जा सकता है या नहीं? प्लीज कमेंट में बताइए, बड़ा कॉमन सा लॉजिक के तौर पर तो समझ में आएगा। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी कहाँ यूज होती है? तो ईवी के बैटरी मटेरियल के साथ लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के तरफ अपने बिजनेस को ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और अपने आप को रेडी कर रहे हैं फ्यूचर में लिथियम आयन बैटरीज के डिमांड को पूरा करने के लिए। और मैं अक्सर कहता हूँ इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखें, ठीक इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट आपका ख्याल रखता है। और ये तभी होता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार ट्रैक करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी अपडेट को ट्रैक करेंगे, राइट, तभी आपको ये सब समझ में आ पाएगा। और ये स्टॉक की जर्नी भी कुछ उसी तरीके की होती हुई दिख रही है, तभी ये वर्ड मैंने यूज किया। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें जिसका नाम हम बाद में बताएंगे, तो इस कंपनी में एक नया अपडेट आया है जिसे हम लोग आज समझेंगे। उससे पहले जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कंपनी के बिजनेस और फाइनेंस को फटाफट में समझ लेते हैं कि ये जो कंपनी है कार्बन मटेरियल और केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कोलतार पिच कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, रिफाइंड नेफेथलीन, बैटरी मटेरियल SNF, स्पेशलिटी ऑयल, गैस के थ्रू ग्रीन पावर भी जनरेट करती है कंपनी। आपको ये सब केमिकल टर्म सुनकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आप हो चुके होंगे। आप बस इतना समझिए कि जो कंपनी है ना जो केमिकल प्रोड्यूस करती है उसका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री से लेकर पावर इंडस्ट्री तक होता है। पेंट, प्लास्टिक फाइबर बनाने में, डिफेंस सेक्टर का इक्विपमेंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने में, एल्युमिनियम बनाने में, लिथियम आयन बैटरी बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रबर इंडस्ट्री में, पावर सेक्टर में, लगभग हर जरूरी इंडस्ट्री और सेक्टर में इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। और वहां पर ये अब अपने आप को बहुत ज्यादा
ईवी की तरफ लेके जा रही है। मेजर क्लाइंट देखें तो सीएट, वेदांता, एमआरएफ, नालको, ब्रिजस्टोन, अपोलो टायर, एचईजी, पीडलाइट जैसी कंपनियां इनके क्लाइंट हैं। अगर नाम गेस कर लिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके पास टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7 इंडिया में और 1 चाइना में है। अब ये 2 सेगमेंट में काम कर रहे हैं। पहला कार्बन से रिलेटेड मटेरियल और केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है और दूसरा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब इसका हम रेवेन्यू ब्रेकअप देख लें तो 99.53% रेवेन्यू कार्बन मटेरियल और केमिकल से और 0.47 पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब सिर्फ कार्बन मटेरियल और केमिकल ही कंसीडर करना सही रहेगा क्योंकि मोटा मोटा सारा बिजनेस, सारा धंधा वहीं से आ रहा है। अब हम बात करते हैं भैया किस कंट्री से कितना धंधा आ रहा है। तो इंडिया से 78% का और आउट ऑफ इंडिया से 22% का। तो यहां तक क्या हो गया, बिजनेस, प्रोडक्ट, क्लाइंट, रेवेन्यू ब्रेकअप तो आपको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं फ्यूचर प्लान, तभी तो पैसा बनेगा। तो फ्यूचर में कंपनी लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग भी करने वाली है। लिथियम आयन बैटरी यूज होता है ईवी में और इसका रिसाइकलिंग मार्केट 2040 तक 25% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ होने वाला है। मतलब ईवी के ग्रोथ में पूरा पार्टिसिपेट करने वाला है ये कंपनी, करेक्ट है ना। अब हमें चलना होगा फाइनेंशियल को समझने के लिए। तो पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 12%, प्रॉफिट ग्रोथ है 38%, सेल कम बढ़ा है मगर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा है। मतलब कंपनी अपने एक्सपेंस को सही से मैनेज कर रही है। पिछले 5 साल के कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की तरफ देखें तो 16% है और प्रॉफिट ग्रोथ -1%। इस 5 साल में कोरोना का भी फेज था, इसमें कंपनी का सेल बढ़ा है मगर एक्सपेंस भी बढ़ने के कारण कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो Q2 FY 2023 तक सेल वॉल्यूम बढ़ाए 14%, रेवेन्यू बढ़ाए -5%, EBITDA बढ़ाए 64%, PAT बढ़ाए 246%। यहां नोटिस करेंगे रेवेन्यू घटा है मगर EBITDA और PAT बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस कम किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 4.97। इस इंडस्ट्री का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.97, मतलब कंपनी अपने इंडस्ट्री के बराबर ही अपना इन्वेंट्री खाली कर रही है और ये अच्छी बात है। कैश साइकिल है 66 डे, इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 80, मतलब कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपने इंडस्ट्री के एवरेज से पहले कैश रिसीव कर रही है, ये अगेन बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी है 0.41, इस इंडस्ट्री का एवरेज डेट टू इक्विटी है 0.18, मतलब अपने इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा डेट टू इक्विटी है मगर 1 से कम है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। फाइनेंशियल और रेशियो कंपेरिजन को समरी में अगर लाएं तो ओवरऑल क्या दिखा, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सही, रिसेंट ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के बराबर, कैश साइकिल इंडस्ट्री से अच्छा, डेट टू इक्विटी 1 से कम, मतलब ओवरऑल जो स्मॉल कैप की ये कंपनी है उसके रूप में क्या है, एक हेल्दी कहानी दिख रही है। अब सवाल आता है जब सब कुछ सही है तो अब आगे की कहानी क्या है, वो भी क्रिस्प क्लियर बताइए, राइट। तो इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा, वैल्यूएशन से मिलेगा। और वैल्यूएशन देखने से पहले हम कंपनी में रीसेंट अपडेट क्या आया है वो देखते हैं। देखिए ये जो कंपनी है इन्होंने डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, इनके साथ मिलकर इंसॉल्वेंट हो रही कंपनी बिरला टायर लिमिटेड को एक्वायर कर रही है। 22 अगस्त 2023 को कंपनी ने ये प्रपोजल रखा था और 19 अक्टूबर 2023 को NCLT ने इस एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया और आने वाले 90 दिन में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इस एक्विजिशन के बाद ये जो कंपनी है टायर बिजनेस में इंटर करेगी। और बिरला टायर के बारे में बात करें तो ये कंपनी 3 डिकेड पुरानी कंपनी है, 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल के लिए टायर बनाती है। अगर बिरला टायर के प्लांट को देखें तो बालासोर उड़ीसा में है, हिमाद्री केमिकल का स्ट्रांग वर्जन उड़ीसा में है और क्योंकि बिरला टायर के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और हिमाद्री केमिकल टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी केमिकल बनाता है और साथ में ईवी के लिए भी मटेरियल बनाता है और बिरला टायर के साथ हिमाद्री केमिकल ईवी स्पेशलाइज्ड टायर बिल्ड करेगा, तो इन सभी पॉइंट की वजह से बिरला टायर का एक्विजिशन इस कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, जिसका नाम हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक तो कीजिए, मोटिवेट तो कीजिए, बहुत चुन चुन के देसी भाषा में मैंगो पीपल के अंदाज में आप लोगों के लिए चीजें लाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप कंपनी के लेटेस्ट अपडेट को समझ गए होंगे। अब टाइम है वैल्यूएशन देखने का और हम बात कर रहे हैं कंपनी की हिमाद्री केमिकल। जी हाँ, हिमाद्री केमिकल करंट पी है 34.9, इंडस्ट्री पी है 29.70, पीजी रेशियो -44.7। इंडस्ट्री पी के बेसिस पर ओवर प्राइस है और पीजी रेशियो नेगेटिव है क्योंकि ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ नेगेटिव है। ये पॉजिटिव आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये थी
कंपनी की सारी डिटेल जो आपके सामने है। अब यहां पर क्या है कहानी, जो एक फाइनल समिट। तो आपने पुरानी वीडियो में क्या सीखा था, कंपनी लगातार मेहनत कर रही है, कंपनी लगातार आगे आ रही है, और उन सब के मद्देनजर जो ईवी सेगमेंट में आगे बढ़ रही है, वहां पर क्या हुआ कि वहां पर ये अंडर वैल्यू थी। ईवी की बहुत सारी गुड न्यूज चल रही थी, स्टॉक ने रैली की, अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट कर लिया और उससे ओवर वैल्यू हो गई। अब क्या होगी कहानी, कंपनी वापस से काम कर रही है, आगे जाएगी, बट कंपनी क्या करती है, अपने वैल्यू को बीच बीच में एडजस्ट करने को आती है। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी है, स्टॉक भी साइडवेज है, तो ये क्या कर सकती है, वापस से वैल्यू को एडजस्ट करने आ सकती है, और उस एडजस्ट के मोड में ये वापस से आपके लिए थॉट प्रोसेस का विचार होगा कि हाँ सही है। अगर सही लगता है तो आप इसके बारे में अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट हमारी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, हम हमेशा सिखाते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने सिखाया था, आज भी सिखाया है। हमारी कोशिश है बस नजरिया देना, बाकी खुद के बॉस आप बनो। जय हिंद, जय भारत। अब हर एक आईपीओ, चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।